अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 आज हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको मैंने दो ही लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है क्योंकि इसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट फॉर्मेट्स हैं और रिवीजन के कुछ नोट्स हैं। तो बहुत आसान चैप्टर है, रिवीजन का चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर नंबर 6 में जिसमें इसका टाइटल है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ लिमिटेड सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेजरली इस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कंपोनेंट्स आते हैं वो हैं दो। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। सेकेंडली बैंक बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम इनका कुछ फॉर्मेट देखेंगे जो इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, इसको हम कहते हैं एब्रिवेटेड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड 5 चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करार देता है। इनमें से पहली इनकम स्टेटमेंट है, दूसरी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये है उसकी ओवरऑल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जबकि IAS के अकॉर्डिंग जो पहले नंबर पे आती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट पोजीशंस, ठीक है, कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेट है उसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कि हमारी कंपनी से कैश किस किस तरफ फ्लो कर रहा है। फोर्थ नंबर पे है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को हमने रीड किया, डिस्कस किया काफ़ी डिटेल से, इसका कॉन्सेप्ट आई होप आपके माइंड में क्लियर होगा। तो इसमें जो चेंजेस आती हैं इक्विटी में वो चीज़, और लास्ट में हमारे पास है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने जो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट की हैं उनके लिए एक एब्रीवेटेड नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। ये भी IAS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने फॉर्मेट की तरफ। इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉपर फॉर्मेट है, जो इंटरनेशनली यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले हमें दिया गया है एंटिटीज़ नेम। एंटिटीज़ नेम यानी आपकी जो बिज़नेस एंटिटी है उसका कोई भी नेम जो भी है वो आपने मेंशन करना है। सेकेंडली यू हैव टू मेंशन विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर। तो आपने वहाँ पे लिख देना इनकम स्टेटमेंट, अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, या फिर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वहाँ पे बैलेंस शीट लिख देंगे दूसरे नंबर पर। थर्डली वी हैव टू मेंशन डेट, कि आप जिस डेट पर ये बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो डेट आपने अकाउंटिंग पीरियड जो है वो वहाँ पर राइट करना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है एक टेबल टाइप का फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम है, दूसरा डेबिट्स का कॉलम है, तीसरा क्रेडिट का कॉलम है। मैं अकेली अकेली चीज़ को यहाँ पर रीड करूँगा ताकि आपके माइंड में जो न्यू चीज़ें हैं वो भी बैठ जाएँ। सबसे पहले है सेल्स, जिसको हम रिवेन्यू भी कहते हैं, इसको हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको जस्ट वैल्यूज हमने कोई भी नहीं लिखी, क्योंकि आप ये कोई भी हो सकती है रैंडमली, तो आप अपने पास से ज्यूम कर सकते हैं, अलबत्त क्लासीफाई मैंने ज़रूर किया इनको, ठीक है। सेल्स को रिवेन्यू भी कहा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपने जो चीज़ें बेची उनकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। थर्डली आपके पास है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम परचेजेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि आपने एक छोटा सा प्रॉफिट का फिनोमिना है ये, कि कितने अखराजात किए, कितनी सैलरी हुई, माइनस कर दो दोनों में जो बचा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है ना। यानी कि आपने चीज़ कितने के लिए, मैंने सपोज करें 50 मोबाइल फ़ोन बेचे, ठीक है ना, तो अब इनकी अमाउंट जो थी सेल की वो कितनी है, ये मोबाइल फ़ोन आए कितने में थे, उनको आपस में कैलकुलेट किया,
मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आई वो क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मज़ीद अपने प्रॉफिट को प्योरीफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए हम छोटी से छोटी एक्सपेंस को भी इसमें से माइनस करेंगे। तो उन एक्सपेंस में शामिल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये चीज़ें क्या होती हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये और भी नई चीज़ें आएंगी, ये आपको अगले चैप्टर्स में क्लियर हो जाएंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, ठीक है, इन चीज़ों को हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। हमारे पास लास्ट पर आ जाएगा जो प्योर प्रॉफिट होगा, उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। प्योर प्रॉफिट जो क्लियरली प्रॉफिट है, जिसमें अब किसी भी चीज़ की कमी की गुंजाइश नहीं, वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो दोस्तों ये था आपका इनकम स्टेटमेंट का एक नॉर्मल सा एक जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, वो आज हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं अपनी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस करूँगा और उसके साथ कुछ नोट्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपके माइंड में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।